अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ कीमा अंडा पॉकेट की एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी और करारी सी रेसिपी बनती है, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बहुत ही अच्छी बनती है। तो प्लीज़ आप वीडियो एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं कीमा अंडा पॉकेट। ये देखिए फ्रेंड्स, कीमा अंडा पॉकेट बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम कीमा ले लिया, इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। अब इसको हम पैन में डाल देंगे, अच्छी तरीके से इसको इस तरीके से फैलाएंगे, और इसमें हम करीब एक टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और इसको मिक्स करके इसका पानी हम सुखा लेंगे। चलिए देखिए कीमे का कलर हमारे चेंज हो गया है, इसको हमें कंटिन्यू नहलाते ही रहना है इस तरीके से, ताकि इसमें गांठे ना पड़े, इस तरीके इसको पूरा छुट्टा कर देना है। ये इतना पानी भी छोड़ा है, इस वक्त इसमें हम ये एक ग्लास साइज की प्याज मैंने काटी थी बारीक चॉप में, वो डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसको। बिल्कुल मशीन का कीमा है, महीन कीमा है। इसी के साथ इसमें हम ये कुछ पाउडर मसाले मैं आपको बताती हूँ वो डाल देती हूँ। ये देखिए, ये एक चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है, एक ही चम्मच भर के जीरा पाउडर लिया कुटा हुआ भुना हुआ, मिर्ची भी कुटी हुई भुनी हुई एक चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला है, एक चम्मच चाट मसाला है, क्वार्टर टीस्पून हल्दी है, स्वाद के अनुसार नमक है, और एक चम्मच मैंने लाल मिर्ची ली है। ये भी इस वक्त हम इसी में डाल देंगे। और मिक्स करेंगे हम कीमा प्याज और सारे मसालों को। अब इस वक्त इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको 5 से 7 मिनट गलने के लिए रख देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल के इसको हम कवर करके रख देंगे, ताकि हमारा कीमा गल भी जाएगा और मसाले भी अच्छी तरीके से पक जाएंगे। जब इसको हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। चलिए कीमा हमारा गल रहा है, इतने में हम देख लेते हैं। इसके लिए मुझे हमने ये 4 अंडे लिए, इनको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया और छिलका उतार लिया है। ये आधा आधा मुट्ठी कोथमीर पुदीना है और आधा नींबू है। कोथमीर पुदीना हम थोड़ा अभी इसमें डाल देंगे, पकने में भी तो इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और ये जो अंडे हैं इसको हम ये ग्रेटर से बड़े वाले पार्ट से इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। देखिए इसे लंबे लंबे पीस पूरे निकाल लेंगे, ये देखिए। ये ग्रेटर से ऐसे सारे अंडे ग्रेट कर लेंगे। कीमा हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है, ये देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, अच्छी तरीके से गल भी गया है और मसाले भी हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इस वक्त इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे, अगर आप तीखा खाना कम पसंद करते हो तो ना डाल, इसमें तीखापन नहीं फ्लेवर है। और गैस को हम बंद कर देंगे, और इस वक्त इसमें जो हमने ये अंडे को करके रखा ये भी डाल देंगे। आप चाहे तो अंडे की जल्दी निकाल सकते हैं, उसके बगैर भी हम डाल सकते हैं, मैंने 2 निकाल ली, 2 जाने दी। और इस वक्त इसमें हम ये कोथमीर पुदीना भी डाल देंगे, और ये आधे नींबू का जूस भी डाल देंगे इसके अंदर। नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको हम ठंडा होने देंगे हल्के हाथों से, बस बस इसको ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड्स, मैं 2 से 3 चम्मच मैदा लेकर उसमें पानी डाल के इसको एक सिलेरी एक गोल गाढ़ा सा बना लिया है हमारे पॉकेट को सेट करने के लिए। और ये देखिए ये रोल की पट्टी, ये मांडे से बनती जिसको रुमाली रोटी बोला जाता है, ये उससे बनेंगे। ये देखिए कितनी पतली और झिल्ली जैसी रेडीमेड बाजार में मिलती है मांडा रोटी, इसको इसको रोल बोलते हैं, रोल की पट्टी बोलते हैं, जो मांडे और रुमाली रोटी से बनाई जाती। इसके अंदर हम पॉकेट बनाएंगे, देखिए पट्टी बनाते हैं ये, इस तरीके से इस पट्टी को रख लेंगे, और इसमें हम बैटर डालेंगे करीब 2 चम्मच के इतना, हम इसमें बैटर डालेंगे, इसको बीच सेंटर में डालेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसको इस तरीके से वाल देंगे,
मैंने चिकन रोल नेक्स्ट वीडियो में बताए थे उस पट्टी से भी ये आराम से बन सकती है। फिर इसको हम इस तरीके से उबाल देंगे। ये देखिए चिकन रोल की पट्टी मैंने बनाना बताई थी, उस पट्टी से भी ये आराम से बन जाएंगे। अब इसमें हम ये जो मैदे का हमने घोल बनाया था वो लगा देंगे, अच्छे तरीके से लगाएंगे और यहाँ इस तरीके से इसको हम प्रेस करके दबा के चोटा देंगे। अब इसको यहीं से पकड़ के हम इसको पलट लेंगे। देखिए इधर हमारा बैटर दिख रहा ना, अब इधर भी ये कवर हो जाएगा। फिर से हम इसमें घोल लगा लेंगे, घोल अच्छे लगाएंगे ताकि निकले ना, और इसको इससे हम कवर कर देंगे। ये देखिए ये छोटा सा हमारा कीमा अंडा पॉकेट बनके तैयार है। ये देखिए बस इसे प्रेस कर देंगे हाथों से। ये देखिए चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए तेल में रख दिया, गरम हो गया, पॉकेट भी हमारे तैयार है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे। इधर साइड से हो जाने देंगे, फिर हम इसको पलट देंगे। देखिए हमने पलट दिए हैं, ये इस तरीके से हम इनको हल्का गोल्डन फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हमारे कीमा अंडा पॉकेट तैयार है। बस इस साइड से भी तल लेंगे और इसको फिर हम निकाल लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे पॉकेट बनके तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल करारे से, कुरकुरे से। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारे कीमा अंडा पॉकेट ये बनके तैयार है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर से बनाइएगा, खाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।